बोलिए हरमान जी। हेलो नमस्कार सबको। जी नमस्ते। तो मैं स्क्रिप्चर पर बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में दो लोग बीते हैं, एक नास्त्रदमस और एक बाबा वेंगा। बाबा वेंगा वहां से थे हंगरी से, तो इन लोगों की प्रिडिक्शन कितनी सच होती है? इनकी इतनी सारी मैंने किताबें पढ़ी हैं, मतलब इनकी प्रिडिक्शन बहुत सच हो रही है। ये डेट भी बता देते हैं, और इन दोनों ने हिंदुइज्म की बहुत तारीफ की है। बाबा वेंगा की हिस्ट्री ऐसी है कि वो लड़की थी, एकदम से बवंडर में फंसी और उनकी आंख में रेत घुस गई और मर गई। मतलब मरी तो नहीं, आंखों में अंधी हो गई। उसके बाद से उन्होंने प्रिडिक्शन करना चालू की, उनकी बहुत प्रिडिक्शन सच हुई है। आप देखिए जरा, पढ़े उनके बारे में, ये दोनों ही हिंदुइज्म की तारीफ करते हैं। और एक भाई आया था, बोल रहा था कि एक मैं बच्चे कुछ ने, बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड मेरा पूरी करने दो मेरे को। और एक एक भाई आया था, उसने बताया कि एक बच्चे ने प्रिडिक्शन की कोरोना की। हाँ, यूट्यूब पे उसने प्रिडिक्शन करी है, उसकी वीडियो वायरल भी हुई है यूरोप और अमेरिका में, उस बच्चे की। उसने कोरोना और अमेरिका और ईरान के वॉर की प्रिडिक्शन की थी। उसने कहा था कि स्टार्टिंग में जनवरी के होगी वॉर अमेरिका और ईरान की, और वो प्रिडिक्शन सच हुई थी। वीडियो भी यूट्यूब पे 26 अगस्त को डाली थी, और कोरोना की भी बता दी थी। तो ये कैसे होता है, इतनी सारी प्रिडिक्शन कर जाते हैं लोग बिना किसी ताकत के, ऐसा कैसे होता है? एक सवाल मैं पूछूं और एक और आपसे। एक एक, एक, एक नहीं पूछे, एक वो ओबामा की बात है, मैंने उस पर रिसर्च की, मुझे पता चला ओबामा सच में हनुमान भक्त है। तो ओबामा की मदर का, अरे जब बस ओबामा भाई, दो, बस बस एक बस सेकंड एक बस, सेकंड अब छोटी सी आप बात ब्रेक है, लगाइए, एक छोटी बात, अबे मैं लीव कर ब्रेक दूंगा, लगाइए प्लीज। लीव कर दूंगा छोटी सी ये बात बोल के। दोबारा अरे आप आप ऐसा ऐसा विशाल ऐसा विशाल लीव ने मत, उन्हें विशाल जी इनको बात कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप जवाब दे देना, ठीक है? तो आप ओबामा उनको की पूरी मैंने बात कर। देखी, ओबामा जब 2 साल का था तब उसकी मदर का डिवोर्स हुआ था, तो उसकी मदर विजिट किया था इंडोनेशिया में। तो वहां पर उन्हें बाबा मिले थे जिन्होंने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति का दी, और उन्हें कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा तो इसको रख। तब से हम ओबामा हनुमान जी की मूर्ति रखता है। चलो ठीक है, मेरी बात इतनी थी, बाय। भाई डोर उड़ाने का पिन्ना पूरा अच्छा बड़ा सा हो गया, एक पतंग मिनट, उड़ाना ज्यादा सा हो गया। देखें देखें, अगर ओबामा थे तो ये उसमें पॉइंट क्या है? ओबामा पहले चले वो गए, इस्लाम चले फॉलो गए कर रहे वो। थे, तो उसमें पॉइंट क्या है? यार ये ऐसी थे, ये मैम पहले ये भी आ खुद चुके से हैं, गए आज ही आए हैं, थे ये। मैम ये खुद से गए हैं। अरे यार गुलजार ये भाई आप रहते तो जाना मत इन्होंने जो ना, अभी जो ओबामा तो इस्लाम इन्होंने जो कुरान भी अपने पढ़ा मुंह है। से जो हमारी इन्होंने, अटेंशन डाइवर्ट करने आए थे भाई, ये पहले भी आए थे। ये ऐसे ही पिन्ना हाँ आप पतंग उड़ाते हो ना तो डोर लपेटते चले जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते चले जाओ, कैसी अरे बोल भाई रहे हो? ओबामा तो कुरान भी पढ़ देते। ये शख्स ने जो अपने माउथ से जो शिट स्प्यू किया है, जो मतलब उगला है, उसका जब चले गए, मतलब एक एक जिन्होंने जो इन्होंने एक एक जो भी मारा है, जुमला मारा है कि ओबामा इसलिए बड़े आदमी बन गए क्योंकि वो हनुमान जी की फोटो रखते थे, और वो जो नास्तोदमन जितनी भी बात की है सबको इनको काउंटर करता, पर अफसोस ये चले गए। और नहीं तो आप इससे करना ही इनका वैसे कर लॉजिक दीजिए। नहीं, देखो द बेस्ट पॉइंट लॉजिक ये है कि ओबामा अगर जीसस में भी बिलीव करता है तो हम क्या करें? वी आर नॉट फॉलोइंग हिम, या वी आर नॉट, वी वांट टू सी कि ओबामा की पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या है। हमें ये नहीं देखना कि वो अच्छा जीसस में बिलीव कर रहा है या एडम एंड ईव में बिलीव भाई, कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, उसने उससे प्रेडिक्शन नहीं आ रही उसकी पॉलिसीज की क्या। बात की, उसने प्रेडिक्शन की बात की, तो सिर्फ प्रेडिक्शन क्या, इनके बड़े बड़े संत साधु करते हैं, बहुत बड़े बड़े ये मौलवी हाँ हजरात या फिर प्रेस लोग भी करते हैं, तो आप किसको सच्चा मानोगे? आई डोंट थिंक सो वी हैव टू टॉक टू मच अबाउट इट। यार वो बोंगिया मार के चले गए भाई, सो के